अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का किया गया पुतला दहन। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में लगातार महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर विरोध जताया गया। दुर्ग साइंस कॉलेज की छात्र छात्राओं ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले पश्चिम बंगाल स्थित संदेश खाली में लगातार महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में स्थित संदेश खाली में लगातार महिलाओं के साथ हो रही अत्याचार की घटना सामने आ रही है, जिसे एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराध में कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। वहीं अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद द्वारा पश्चिम बंगाल में इसका विरोध करने पर अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय मंत्री को गिरफ्तार करने के बाद पुनः राष्ट्रीय महामंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद की समस्त कार्यकर्ताओं ने विरोध कर पुतला दहन किया और मांग की कि पश्चिम बंगाल में जल्द से जल्द महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाई जाए और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। भारतीय समाज में महिलाओं का एक विशेष व गौरवपूर्ण स्थान है। संदेश खाली में महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पश्चिम बंगाल संदेश खाली में महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ममता सरकार के दोनों हाथ अब बलात्कारियों के साथ हैं। अरे ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंक देनी चाहिए जो एक महिला होने के साथ साथ एक दूसरी महिला की न पीड़ा समझ रही है न उनकी दर्द समझ रही है, उनके साथ किए गए अत्याचारों का खुलकर विरोध नहीं कर पा रही है। अब यदि संदेश खाली की महिला अपने खिलाफ आवाज उठाती है और वहाँ की पुलिस के पास अपना शिकायत लेके जाती है तो वहाँ की पुलिस उनकी शिकायतों को फाड़ कर रद्दियों के टोकरी में फेंक देती है। अरे जहाँ की महिला एक मुख्यमंत्री होने के साथ साथ संदेश खाली में महिलाओं के साथ जो इतने बड़े दुष्कर्म अपराध जैसे घटनाएं सामने आ रही है उनका विरोध क्यों नहीं कर रही है। मैं ममता सरकार से पूछना चाहती हूँ कि क्या दुष्कर्मियों का वोट अपराधियों का समर्थक संदेश खाली की महिलाओं की इज्जत और सुरक्षा से भी बढ़कर हो गई है क्या। मैं ममता सरकार से पूछना चाहूंगी कि संदेश खाली की महिलाओं को कब उनके अपराधियों को कब गिरफ्तार किया जाएगा, उनके खिलाफ हुए अत्याचारों के पुलिस कब उनके के खिलाफ कार्यवाही करेगी। अपन आज पुतला दहन किया ममता बनर्जी का, इसके पहले वहाँ पे पश्चिम बंगाल पे प्रोटेस्ट किया गया था विद्यार्थी परिषद के द्वारा, तो राष्ट्रीय मंत्री को भी अरेस्ट कर लिया गया था। आज पुनः फिर से राष्ट्रीय महामंत्री को अरेस्ट किया गया, जिसके लिए अपन लोग फिर से पुतला दहन किए हैं। विरोध इस बात की है क्योंकि वहाँ ममता बनर्जी की सरकार है, वो खुद एक महिला होके वहाँ महिला सुरक्षित नहीं है, विषय ये है। और वहाँ पे महिला सुरक्षित है संदेश खाली, जैसे वहाँ पे महिलाएं हैं जो उनका विरोध करते फिर भी पुलिस उनको संरक्षण नहीं दे पा रही, और दूसरी ममता बनर्जी की सरकार भी उसको संरक्षण नहीं दे पा रही, ये सबसे दर्दनाक विषय है। इसलिए ममता क्या उनके लिए ये ममता बनर्जी के लिए ये बड़ा हो गया कि उनके जो नेता है उनको संरक्षण दे कि अपने लोकल है जो महिलाएं उनको संरक्षण दे। इस विषय पे अपन लोग ममता बनर्जी एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।